नमस्कार चंद्रयान तीन चला गया है चाँद के सफर पे शुभकामनाएं पूरा देश दे रहा है लेकिन हमारा देश और हमारे राजनेता राजनीति से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती वैज्ञानिकों को बधाई देना हो गौरव महसूस करना हो राजनीति कहीं भी नहीं छूटती कहते हैं ना कि मुस्कुराओ भी तो बेवजह नहीं आंसू बहाओ भी तो बेवजह नहीं शुरू हो गई बहस किसने चंद्रयान को ती, चंद्रयान तीन को भेजा है चंद्रमा तक का सफर किसकी वजह से तय कर रहा है भारतीय अंतरिक्ष अपने शिखर पर कैसे पहुंचा है दुनिया में कैसे नाम रोशन कर रहा है मोदी जी की भूमिका है मोदी जी की भूमिका को मैं नकारने के लिए वीडियो नहीं लेके आया हूँ लेकिन मोदी के एक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह उन्होंने कहा कि इंदिरा और राजीव के समय में ताला लटका होता था इसरो के गेट पर ताला लगा होता था मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट की तारीफ करूंगा जिसमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सफलता और आगे बढ़ने का श्रेय खड़गे साहब ने मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी नरसिम्हा राव राजीव गांधी इंदिरा गांधी से लेकर के चरण सिंह मोरारजी देसाई तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को इसके लिए बधाई दी है और सबको श्रेय दिया है लेकिन ये एजेंडा उसका क्या होगा सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ उसका क्या होगा नौ साल बाद भी नेहरू ने नहीं किया उसका क्या होगा इंदिरा ने नहीं किया उसका क्या होगा उसको तो कंटिन्यू रखना है इसलिए अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ मोदी जी ने शुरू किया मोदी जी ने जैसे अभी एक अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले बोल दिया था कि भारत आज़ादी 2014 में हुआ असली आज़ादी मिली उसके पहले तो नकली आज़ादी थी चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह गांधी पटेल सबकी कुर्बानी व्यर्थ कर दी तो जितेंद्र सिंह ये तो मंत्री हैं मोदी जी के मैं कुछ अपने तरफ से न कहते हुए आपको तथ्य बताता हूँ तथ्य जानना जरूरी है ये तथ्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं है ये तथ्य ऑथेंटिक आधिकारिक तथ्य हैं उन तथ्यों को आप सुनिए और सोचिए क्या ऐसी घटिया राजनीति देश को गर्व के पल में भी करना चाहिए देश के राजनेताओं को करना चाहिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उन्नीस में नेहरू नेहरू की चर्चा हुई तो मैं बता दूं कि भाजपा के आईटी सेल के जो मुखिया हैं उन्होंने एक ट्वीट और कर दिया कल ग्लोब वाला वीडियो उन्होंने डाला था फिर आज एक ट्वीट कर दिया कि नेहरू का क्या योगदान है उनहत्तर में इसरो बना तब तो नेहरू थे ही नहीं खिल्ली उड़ा दी लेकिन दिक्कत यही है आईटी सेल एक्सपर्ट स्कूल कॉलेज में नहीं गए ढंग से पढ़ाई नहीं किए पढ़ लेते तो ऐसे जगह नहीं होती इतनी बेइ्जती नहीं होती फजीहत हो रही है चेहरा दिखाने लायक लेकिन खैर उसमें तो कितनी भी बेइज्जती कर लो चेहरा फिर उसी शान से दिखाएंगे और फिर ऐसा ही कोई झूठ लेके सामने आएंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा अगर तो डॉक्टर विक्रम सारा भाई रामनाथन ये जोड़ी थी भारतीय अंतरिक्ष के जनक हैं डॉक्टर विक्रम सारा भाई उनके साथ डॉक्टर रामनाथन डॉक्टर रामनाथन और डॉक्टर विक्रम सारा भाई नेहरू प्रधानमंत्री थे और उस समय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसको इकोस पा, इन्स्को पार इक, इन्कोस पार इनकोस पार, पार उसकी स्थापना हुई हिंदी में मैं बता देता हूँ अंग्रेजी का बड़ा मैं ज्ञानी और जानकार हूँ नहीं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसकी स्थापना उन्नीस में हुई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनके काल में उन्नीस में ये इसरो हो गया इसको इसरो कर दिया गया उन्नीस में बासठ में जब बना ये तो उन्नीस में थुम्बा से आईटी सेल अमित मालविया क्रॉस चेक कर लीजिएगा पढ़िएगा उन्नीस में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत का औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है ना ऑफिशियली वो शुरू हो गया बाद में विक्रम सारा भाई ने ही मैंने फिर कहा फिर कह रहा हूँ सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर विक्रम सारा भाई और उनके साथी वैज्ञानिक डॉक्टर रामनाथन इनको श्रेय जाता है इनके लिए तालियां बजाइए क्यों पड़े हैं मोदी के चक्कर में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय में ताला लटका था इसके चक्कर में इस कदर देश को किसी के हाथों में किसी के मुट्ठी में मत कैद करिए बिल्कुल मत करिए पांच अगस्त उन्नीस में इंस्कोस्पार को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय इसरो कर दिया गया इसरो की स्थापना और वो भी डॉक्टर विक्रम सारा भाई की प्रेरणा और अगुवाई में हुआ उन्नीस में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है वो अपने वर्तमान रूप में आया आज दुनिया की सबसे बड़ी जो छह अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनमें से हमारा इसरो है अब आप सुनिए ताला लटकाने वाले मंत्री जी आईटी सेल वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी अब सुनिए आगे जिसके काल में बता रहे हैं तारा लटक रहा था वहीं से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने उड़ान भरी वहीं से उड़ान भरी उन्नीस <coughs> में अंतरिक्ष आयोग का गठन हुआ इंदिरा गांधी ने किया ये और अंतरिक्ष विभाग उन्नीस में इसकी स्थापना हुई और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के ही अंतर्गत कर दिया गया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नोट करिए ठीक है और इसरो ने ये अनुमत दे दी कि विकास की पहल में अब अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है विदेशी उपग्रहों का क्योंकि हम अभी अभी आए हैं उसका भी इस्तेमाल करें और इस मिशन पर तेजी से काम किया और उन्नीस अप्रैल उन्नीस फिर बता दूं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी अगर प्रधानमंत्री को ही श्रेय देने पे आप लोग आमादा हैं तो मैं तो वैज्ञानिकों को श्रेय देता हूँ इस देश के महान वैज्ञानिकों को श्रेय देता हूँ और श्रेय उन्हीं का बनता है श्रेय उन्हीं को जाता है तालियां उनके लिए बजनी चाहिए सबको बजानी चाहिए चाहे भाजपा के लोग हों कांग्रेस के लोग हों इस देश का हर राजनीतिक व्यक्ति और एक आम आदमी हम जैसा उसको वैज्ञानिकों के लिए ताली बजानी चाहिए चौराहों पर किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान करने वाली वही अंधभक्ति फिर बार बार आ जाती है इसकी बात लेकिन मैं फिर तथ्यों की बात लौटता हूँ अपने बात की तरफ तथ्य की तरफ उन्नीस 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से आज भट्ट उपग्रह रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज करवाया जब दर्ज हुआ नाम अंतरिक्ष की दुनिया में फिर बता दूं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1975 सौ के दौरान सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट इसका जो है साइट एस आई टी ई ये आयोजित किया गया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा समाज शास्त्रीय परीक्षण कहा गया और इसी के बाद गुजरात जहाँ से मॉडल लेके आए हैं साहब उस गुजरात में खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट KCP शुरू हुई जिसने गुजरात राज्य में आवश्यकता पर आधारित और स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रमों के विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उनके टेलीकास्ट के लिए एक फील्ड प्रयोगशाला के रूप में काम किया इस खेड़ा प्रोजेक्ट ने तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी आगे सुनिए इसरो ने 18 जुलाई 1980 को एस एल तीन ये जो प्रक्षेपण जिसके जरिए होता है वो है ये लॉन्चर है सैटेलाइट का लॉन्चर तो एस 18 जुलाई 1980 को एस एल थ्री का फिर सक्सेसफुली परीक्षण किया भारत ने और उन देशों में शामिल हो गया भारत जो अपने सेटेलाइट को खुद ही अंतरिक्ष में भेज सकते थे तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जनवरी 80 में ही फिर से सत्ता में वापस आ चुके थे इंदिरा गांधी तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी इसके बाद जब ये आ गया हमारे पास प्रक्षेपण यान लॉन्चर आ गया तो इसी के जरिए सेटेलाइट गया पहला रोहिणी रोहिणी उपग्रह को आर रो, एस वन रोहिणी सेटेलाइट आर एस वन जो है इसको फिर ऑर्बिट में प्लेस किया गया स्थापित किया गया 1980 के दशक में ही प्रायोगिक चरण में ही एक्सपेरिमेंटल फेज़ था शुरुआत थी तो भास्कर वन सात जून उन्नीस को और भास्कर टू बीस नवम्बर उन्नीस को ये जो है ये दोनों लॉन्च किए गए दोनों मिशन पे शुरुआत हुई और ये दोनों जो सुदूर सं, संवेदन का क्षेत्र था उसमें इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई ठीक अब आगे सुनिए एरियन एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल फ़ोन वाला एप्पल नहीं ये भारत का प्रोजेक्ट था ये इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था और 19 जून उन्नीस को करो से इसकी उड़ान हुई जो है और इसे लॉन्च किया गया साल उन्नीस में इंसेट वन बी इसकी लॉन्चिंग हुई और इसने बड़ी क्रांति लाई भारत में इनसेट वन बी ये पहली बड़ी क्रांति थी अंतरिक्ष विज्ञान में इसने दूर संचार दूरदर्शन दूरदर्शन याद है ना रामायण देखने वाले महाभारत देखने वालों को याद होगा दूरदर्शन मौसम के पूर्वानुमान इन सब क्षेत्रों में भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में क्रांति लाया प्रधानमंत्री कौन थी उन्नीस में इंदिरा गांधी मंत्री जी आई टी वालों नोट कर लीजिए तारीख इंदिरा गांधी थी उन्नीस में मैं और भी बातें बताऊंगा सिर्फ उतने पर नहीं रुक जाऊंगा इंदिरा गांधी राजीव गांधी हालांकि चौरानवे बताऊंगा फिर आप कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उन्नीस में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पी का सफल जो है कि सफल प्रक्षेपण से स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता यानी लॉन्चिंग की जो हमारी क्षमता थी उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हुई पीएसएलवी अब भी पीएसएलवी हमारे काम में आ रहा है पीएसएलवी ही हमारा सबसे सक्सेसफुल जो लॉन्चर रहा पीएसएलवी रहा और इसके जरिए अब तक पचास से ज़्यादा सफल सक्सेसफुल लॉन्चिंग 50 से ज़्यादा हाफ सेंचुरी पीएसएलवी पूरी कर चुकी है पीएसएलवी के जरिए हो चुकी है उन्नीस में हुआ था सरकार कांग्रेस की थी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे 22 अक्टूबर 2008 इसरो ने 1380 किलोग्राम के चंद्रयान एक को भेजा जिस चंद्रयान थ्री को भेजा गया है इसका जो पहला कदम था चांद की ओर पहला कदम वो की ओर पहला कदम बढ़ा था 22 अक्टूबर 2008 को और ये 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर पहुंचा था और चांद पर तिरंगा लहराते ही हिंदुस्तान वो चौथा देश बन गया था जिसने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया था और चंद्रयान एक ही था जिसने चांद पर पानी तलाशा पानी पीजिए और इन सच्चाइयों को सुनिए तथ्यों को सुनिए ये तथ्य ध्यान से सुनिए गौर से सुनिए सच्चाई है यानी 2008 यूपीए का कार्यकाल चांद की ओर हिंदुस्तान का पहला कदम चांद पर तिरंगा लहराया चांद पर पानी का पता लगाया 2014 के बाद की कहानी आप लगातार सुन रहे हैं समझ रहे हैं ट्विटर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने तरक्की नहीं की है पर्याप्त तरक्की की है पर्याप्त से ज़्यादा तरक्की की है लेकिन अंत में ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस तरक्की का श्रेय मोदी को मैं नहीं दूंगा और उस तरक्की का श्रेय इंदिरा गांधी या राजीव गांधी को नहीं दूंगा उनका योगदान है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं मोदी का योगदान है इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी राजीव जी प्रधानमंत्री थे उनका योगदान था और मैं कहूंगा ज्यादा योगदान था क्योंकि वो प्रारंभिक चरण था आप दो मंजिले मकान पर जब तीसरा फ्लोर बनाते हैं तो आसान होता है लेकिन जो ज़मीन खरीदता है पहले प्लॉट खरीदता है प्लॉट खरीद करके मुहूर्त देखता है साइज देखता है नगर पालिका में जाके नक्शा पास करवाता है उसके बाद न्यू खुदवाता है न्यू भरवाता है ए? पंडित जी खोज के आते हैं नारियल रखवाता है मुहूर्त करवाता है तो इमारत किसरे किसे दी जाती है इसीलिए कह रहा हूं कि मैं उन्हें ज़्यादा श्रेय दूंगा आपको तो तीन मंजिला चार मंजिला इमारत बनी मिली थी रिनोवेशन करवाए ऊपर और एक फ्लोर दो फ्लोर बनवाए गेट लगवाए तो इसलिए आप खारिज मत करिए योगदान सबका रहा है जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सबका योगदान रहा है लेकिन श्रेय अगर देने की बात होगी तो मैं श्रेय डॉक्टर विक्रम सारा भाई डॉक्टर रामनाथन से लेकर के आज तक जितने वैज्ञानिक इसरो में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में किसी भी भूमिका में रहे हों छोटी या बड़ी भूमिका में उन वैज्ञानिकों को श्रेय दूंगा उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट करूंगा उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा हाथ जोड़ करके कि हिंदुस्तान की छाती को छप्पन इंच का वो कर रहे हैं हिंदुस्तान को गौरव का पल वो दे रहे हैं हर हिंदुस्तानी की नाक ऊंची करने का अवसर वो दे रहे हैं इसलिए आईटी सेल मंत्री जी के बातें और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इनसे दूर रहिए गर्व करिए अपने देश पर गर्व करिए अपने वैज्ञानिकों पर योगदान तो सबका है और उसी योगदान के लिए हमने आपको चुना है आप वहाँ बैठ कर अगर योगदान भी नहीं दे सकते हैं तो हमने गलत चयन कर लिया है नमस्कार